तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जब जवानी आ जाती है, जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ लेता है, तो बाकी है तो क्षीण होने लगता है, और उसके बाद नश्यति, ये सर्व विकार है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो षड विकार से रहित, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान का जो देह माने यहां देह का शरीर नहीं है, स्वरूप है। आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है, विगत विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। जायते अस्थि बनते विवर्णते अभक्ति देने सभी, ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण पहले नहीं थे अब हुए हैं ऐसा नहीं है, पहले ही से हैं। यहां तो प्रकट हुए हैं, अवतार दिया है। जो व्यक्ति पहले न हो वो पैदा होता है, तो कृष्ण रूप में पहले ही थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम के संबंध में भी है, राम रूप में वो पहले से मनसुख रूपा को दर्शन देते हैं, फिर वो मनसुख रूपा को जब उसकी इच्छा होती कि हमारे समान पुत्र हो, आपके समान पुत्र हो, तो उन्होंने कहा ठीक है कि इच्छा मैं नर रूप समारे प्रकट निकेत तुम्हारे, शिक्षा मैं नर रूप बनकर। तो नर रूप को देख के लोग उनको समझ नहीं पाते, जैसे और सबका रूप होता है देखने में भगवान भी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं अवजानंद मां मूढ़ा मानुषी तनुवाचित परम भाव अवजानन तो ममा व्यय मनोत्तम। जो मूढ़ है, जब मैं मानुषी तनु मनुष्य शरीर धारण कर लेता हूं, तो मूढ़ लोग समझते हैं कि ये भी हमारी जैसे मनुष्य हो गए। लेकिन मेरा जो अविनाशी अनुत्तम भाव है उसको वो समझते नहीं। ये तो देह उन्होंने बनाई है, जब कहा उसको छुपा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये स्वरूप मेरे अनुग्रह के लिए आपने दान किया, ये स्वेच्छा मैं पांच भौतिक नहीं है। क्षितिजल पावक गण समीरा पंचरजित यह अधम शरीरा। आप समझ लीजिए, क्षिति धरती, जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों से शरीर बना है। क्षितिजल पावक गण समीरा पंचरचित यह अधम शरीर। अब आप कहें कि हम घर देते हैं, मिट्टी रख देते हैं, पानी रख देते हैं, और आग भी रख देते हैं, बनाओ शरीर, पुतला तो बन सकता है लेकिन जीवित मनुष्य नहीं बन सकता। जीवित मनुष्य कैसे बनता है? जब माता पिता का रजवीर्य माता की योनि में एकत्र होते हैं, तो उससे एक छोटा सा सरसों के दाने के बराबर मांस बनता है, मांस का टुकड़ा, और फिर वो बढ़ता 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 उसी में से, जैसे
कलम ने कलम से शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह से आंख कान नाक हाथ पैर निकलने लगते हैं और उसके बाद फिर उनमें देवता इंद्रियां आके बैठ जाती है, वो बनता है। तो कैसे समझे हैं? माता के रजवीर इसके मिश्रण से शरीर बना, और माता का रजवीर कैसे बना? अन्न से बना। अन्न जब इन्होंने खाया तो रस अलग क्रम से वीर बना और इधर माता का रज बना। अन्न क्या है? गेहूं चना चावल साग सब्जी सब अन्न। अद्यति यह अन्न जो खाया जाए वो अन्न। तो देख लो अन्न कैसे बनता है। चले जाओ गांव में। एक भक्त था, हमसे पूछने लगा कि महाराज गेहूं की फैक्ट्री कहाँ है। हमने कहा ठीक है, तुम परमहंस गंगा आओ, हम तुमको गेहूं की फैक्ट्री दिखा देंगे। तो वो आया, हम उसको एक खेत में ले गए। हमको ये जो खेत है ना, ये फैक्ट्री है, इससे अन्न पैदा गेहूं पैदा होता। खेती वन धरती, सूखी धरती में अनाज नहीं होगा, जर जब पानी पड़ेगा, और अगर धरती ठंडी हो जाए तो अनाज अंकुरित नहीं होगा। पावक धरती में कुछ गर्मी रहना चाहिए, और फैलने के लिए गगन, और उसके बाद उसको हरा भरा रखने के लिए पवन समीरा। क्षिति जल पावन गगन समीरा, इनसे अन्न बना, अन्न से रजवीर बना, रजवीर से शरीर बना, और अन्न ही खा के ये बड़ा हुआ, 3.5 हाथ का पहलवान हो गया। अन्न ही तो है, और अन्न की हालत ये है कि सवेरे भात बनाओ और रख दो तो शाम तक खराब हो जाता है, रोटी रख दो बासी हो जाती है, वो खाई नहीं जाती। तो जो प्रातः बनने वाला अन्न रात तक खराब हो जाता है, उसी अन्न से बने हुए शरीर में कहां तक स्थिरता है? तदीय रस संपुष्ट देह का नाम नित्यता। जो अन्न प्रातः खाने से शाम तक खराब हो जाता है, रात में तो एकदम भात रख दो रात तक खट्टा हो जाएगा, वो खराब हो जाता है। उसी चावल से, उसी दाल से, उसी सब्जी से श्रीमान आपका शरीर भी पुतला खड़ा हुआ है, ये कहां तक नित्य रह सकता है? तो ये भी सड़ता है, क्षण क्षण में बदलता है, इसके जो परमाणु है वो बदलते